Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही मज़े का और यूनिक सा एक डिज़र्ट, जो कि हम बनाएंगे आइसक्रीम और मैरी बिस्किट के साथ, और इसमें यूज़ करेंगे स्ट्रॉबेरी सॉस। तो चलिए देखते हैं किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये मैंने लिया है यहाँ पर आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम है, आप कोई भी आइसक्रीम यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद है। यहाँ पर मैंने लिया है फ्रेश क्रीम, जिसको मैंने पिंक और ब्लू कलर डाल के व्हिप की है थोड़ी सी लुक बढ़ाने के लिए इसकी। यहाँ पे मैंने 6 पीस लिए हैं बिस्किट के, मैरी बिस्किट के, जो आम अवेलेबल होते हैं मार्केट में। आप चाहें तो कोई भी बिस्किट यूज़ कर सकते हैं। इसको ऐसे हाथों की मदद से तोड़ लेंगे, या फिर आप इसको ज़्यादा पीस सकते हैं अगर आपको ये इस शेप में पसंद नहीं है। यहाँ पे ये स्ट्रॉबेरी सॉस है, जो कि मैंने खुद होममेड घर पे बनाई है। स्ट्रॉबेरी और पानी को मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था एक सॉस पैन में, और इसमें 3 टेबलस्पून मैंने चीनी डाल के इसको गाढ़ा कर लिया। इसमें कोई कॉर्नफ्लोर नहीं डाला है और ये बहुत ही मज़े का सॉस जो है तैयार है। यहाँ पे स्प्रिंकल लिए हैं मैंने, कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाना है। बहुत ही आसान और झटपट से तैयार होने वाला ये डिज़र्ट है। सबसे पहले हमने करना क्या है, यहाँ पे एक गिलास लेंगे, कोई भी गिलास ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। ये स्ट्रॉबेरी सॉस है, आप देख सकते हैं इसका लुक काफ़ी अच्छा सा है और बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़्यादा मज़े की ये सॉस जो है तैयार होती है। यहाँ पे गिलास लेंगे, जो भी गिलास आपने लेना है, इसको ऐसे इस स्ट्रॉबेरी सॉस में डिप कर देंगे। ज़्यादा डिप नहीं करना है, सिर्फ इसके एंड जो है हमने डिप करने हैं, और इसको जो हमने स्प्रिंकल यूज़ करने हैं आप उसके अंदर डिप कर देंगे। ऐसे एक प्लेट में स्प्रिंकल निकाल लेंगे और इसको पलट देंगे गिलास को, और सारे स्प्रिंकल जो हैं गिलास पर चिपक जाएंगे। यहाँ पे ये देखिए कितना खूबसूरत सा इसका लुक लग रहा है, साइड पे सारे स्प्रिंकल लग गए हैं। और अब इसके अंदर जो है हम ये मैरी बिस्किट डाल देंगे, जितने भी आपने डालने हैं। एक लेयर जो है हमने मैरी बिस्किट की डालनी है, आप इसकी जगह क्रश मैरी भी यूज़ कर सकते हैं बिस्किट। ये देखिए, अब साथ ही इसके अंदर जो है आइसक्रीम डाल देंगे, वनीला आइसक्रीम एक स्कूपर की मदद से। ये देखिए एक स्कूप जो है भर के इसका आइसक्रीम का डाल देंगे, और अब इसके ऊपर ये व्हिप की हुई क्रीम डाल देंगे। ऐसे इसको हमने डेकोरेट करना है, और बहुत ही आसानी से झटपट से बनने वाला ये डिज़र्ट है। अब इसके ऊपर ये स्ट्रॉबेरी सॉस डाल देंगे, जितना आपका दिल चाहे आप डाल सकते हैं, बहुत ही मज़े का लगता है। मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ इसके। ये देखिए इसमें स्ट्रॉबेरी के चंक्स जो है मुँह में आते हैं, और बहुत ही मज़े के साथ ये डिज़र्ट जो है खाया भी जाता है। सभी को पसंद आएगा अगर आप इसको घर पर ट्राई करेंगे तो। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से मैरी बिस्किट, अगेन लेयर इसकी डालेंगे। अब इसके ऊपर एक और स्कूप वनीला आइसक्रीम का डाल देंगे ऐसे, और इसके ऊपर थोड़े से सॉस डाल देंगे। अब देख सकते हैं इसका लुक कितना शाइनी है, हालांकि मैंने इसके अंदर कोई बटर कुछ भी नहीं डाला है, और सॉस जो सिंपली हमने घर पे तैयार की है। अब इसके ऊपर व्हिप क्रीम डाल देंगे जो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। ये देखिए थोड़े से स्प्रिंकल और एक स्ट्रॉबेरी मैंने इसके ऊपर लगा दी, और आप देख सकते हैं कितना इसका लुक भी अच्छा लग रहा है, और किसी भी मेहमान के सामने आप इसको बना के पेश कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का यम्मी और ईजी सा डिज़र्ट है, कोई भी इसमें नो बेकिंग हमने जो नहीं की है, कोई भी इसमें ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको खा कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए आपने इसको ठंडा करके फ्रिज में फिर खाना है, बहुत ही मज़े का और यम्मी सा तैयार होगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपका कोई कमेंट क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।